सर्दियों का मौसम यानी हरी हरी सब्जियों का मौसम, उन्हीं में से है एक मेथी दोस्तों, जिससे आप बनाते हैं पराठे और सब्जियां। लेकिन इन सबको आज हम रखते हैं एक साइड में और बनाएंगे मेथी से एकदम कुरकुरी वड़ी। तो चलो फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप सब हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिया है मेथी के पत्तियों को, बिल्कुल हमें इसी तरह से पत्तियों को लेना है, उसके डंठल को अलग करके, और इसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके लिया है। अब इसे हम बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं, बिल्कुल हमें इसी तरह से काटना है। अब सारे पत्तियों को हम इसी तरह से काट लेते हैं। सारे पत्तियों को हमने बारीक काट कर तैयार कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल, सबसे पहले हम मेथी के पत्ती को डालते हैं। इसके बाद इसमें हम डालते हैं धनिया, धनिया को भी हमने काट कर लिया है। इसके बाद इसमें डालते हैं हरी मिर्च को, हरी मिर्च को भी हमने काट के लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको कम खाना पसंद है तो आप हरी मिर्च को मीडियम ही डालें। और इसके बाद इसमें हम डालते हैं बारीक पिसा हुआ चावल का आटा। चावल का आटा दोस्तों हमारा कुरकुरा होने का काम करेगा। और इसके बाद इसमें हम एक कटोरी बेसन डालते हैं, बेसन दोस्तों हमारा जोड़ने का काम करता है। अब इसे भी हम डालते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ सींग दाना, अब इसे भी डालते हैं। सींग दाना को हमने डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है एक चम्मच सफेद तिल, अब इसे भी डालते हैं। अगर आपको सफ़ेद तिल खाना नहीं पसंद है तो इसका इस्तेमाल ना भी करें, अगर आपको खाना पसंद है तो ज़रूर डालें। और इसके बाद हमने लिया है एक चम्मच अजवाइन, अब इसे भी हम डालते हैं। अजवाइन को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम दो चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, धनिया पाउडर को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। और इसके बाद हमने लिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर, अब इसे भी हम डालते हैं। हल्दी पाउडर को हमने डाल दिया है। अब आखिरी में बचा है हमारा नमक, अब नमक इसमें हम दो चम्मच डालते हैं। दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दोस्तों ये वड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छी तरह से हमने मिलाकर तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है पानी, अब इसे हम गूंथते हैं। दोस्तों बिल्कुल हमें डो की तरह इसे गूंथ कर तैयार करना है, और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है, बिल्कुल हमें इसी तरह से गूंथना है। अब सबसे पहले हम गूंथा हुआ मेथी के आटे को लेते हैं और इसे हम दो भागों में करते हैं, बिल्कुल हमें इसी तरह से करना है। अब इसे इसी तरह से हम रोल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल हमें इसी तरह से बनाना है। अब हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। दोनों हमने बनाकर तैयार कर लिया है, बिल्कुल हमें इसी तरह से बनाना है। अब हमने यहाँ पर लिया है एक जालीदार बर्तन, जालीदार बर्तन में हमने अच्छी तरह से तेल लगा के लिया है, आप चाहे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। अब इसमें अपनी वड़ी को रखते हैं, बीच में हमें इतना गैप करके ही रखना है। दोनों वड़ी को हमने रख लिया है। अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ, गैस को ऑन कर दिया और गैस पे अपना टोपा भी रख दिया है। अब इसमें हम चार गिलास पानी डालते हैं, पानी को हमने डाल दिया है। अब पानी में हम एक उबाल आने देते हैं और गैस के फ्लेम को हम हाई फ्लेम पे रख सकते हैं। पानी में हमारे एक उबाल आ चुका है, अब इसमें हम रखते हैं वड़ी को, वड़ी को हमने रख दिया है। अब हमने यहाँ पर एक थाली लिया है, अब थाली से इसे अच्छी तरह से ढक देते हैं। थाली से हमने इसे अच्छी तरह से ढक दिया है, अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। वड़ी को पकाते हुए हमें 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम चेक करते हैं। और दोस्तों आप सब देख सकते हैं वड़ी हमारे बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम निकालते हैं।
तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कितने आसानी से हमारे वड़ी निकल चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी निकालते हैं। दोनों भी अच्छी तरह से हमारा निकल चुका है और एक भी टूटा नहीं है। अब चलिए दोस्तों फटाफट से इसे पीसेस में काटते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है एक चाकू, अब इसी से हम काटते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे पीसेस में कट के तैयार हुए हैं। बिल्कुल हमें इसी तरह से काटना है। अब इसी तरह से सारे वड़ी को हम काट कर तैयार कर लेते हैं। सारे वड़ी को हमने पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है और दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे ऐसे भी खाएं तब भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब इसे मैं सेलो फ्राई करती हूँ, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस को ऑन कर दिया और गैस पे अपना तवा भी रख दिया है। अब इसमें हम तेल डालते हैं। तेल को हमने डाल दिया है, अब तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम वड़ी को डालते हैं। और दोस्तों गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है एक चम्मच, अब इसी के सहारे से वड़ी के ऊपर इसी तरह से तेल डाल देते हैं। बिल्कुल हमें इसी तरह से डालना है। एक तरफ वड़ी हमारी पक जाएगी तब इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे। दोस्तों एक तरफ हमारी वड़ी बिल्कुल पक चुकी है, अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। एक तरफ हमने पलट दिया है, अब इसे दूसरी तरफ भी हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। दोनों तरफ हमारी वड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से सारे वड़े को हम पकाकर निकाल लेते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं सारे वड़े को हमने सेलो फ्राई करके निकाल लिया है। अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम। मैं आप सबको तोड़कर दिखाती हूँ, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं अंदर से कितना नरम है और खाने में इतना ज्यादा टेस्टी होता है, इसे पूछिए ही मत। एक बार बनाकर खाएंगे ना, दोबारा खाने के लिए जरूर मन कहेगा। और आप इसे पूरे सर्दियों में बनाकर खाएंगे क्योंकि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।